जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द व्यू, मैं हूँ अली रहमान। आज के प्रोग्राम में जिक्र कर लेते हैं उस वबा के हवाले से तैयार होने वाली एक खुशखबरी के हवाले से, ज़ाहिर होने वाली उस खुशखबरी के हवाले से जो हमें एक इत्मीनान बख्शेगी। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि अपने दिमाग की फजूलियात को साइड पर रखते हुए अमल कर लें, ताकि अपने और अपने आसपास के लोगों की आप हिफाजत के ज़िम्मेदार बन सकें। जनाब वैक्सीन पाकिस्तान में हम कब से सुन रहे हैं, लेकिन बिल आखिर पाकिस्तान में कोरोना से मुतालिक, कोरोना के हवाले से अहम ख़बर सामने आई है, और वो ये सामने आई है कि पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से तीसरी अहम वैक्सीन बनने जा रही है, बन चुकी है, बल्कि सामने आने वाली है और मकामी सतह पर सामने आने वाली है। जबकि पाकिस्तान के नाम से पहली वैक्सीन पाकिस्तान में WHO से तस्दीक शुदा वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में ज़ेरे चीन की निगरानी में बनने वाली ये वैक्सीन आपके सामने, पाकिस्तान के नाम से आने वाली वैक्सीन सामने आने वाली है, यानी कि पाक वैक के नाम से ये वैक्सीन होगी। इसके हवाले से पहले कुछ बात कर लेते हैं और फिर इन्हीं टॉपिक्स के हवाले से आज का प्रोग्राम होने वाला है। जनाब पाकिस्तान ने पाक वैक के नाम से पाकिस्तान की पहली जबकि तीसरी वैक्सीन तैयार कर ली है, जो कि कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ तासीर रखती है। और वैक्सीन की तैयारी में चीनी कंपनी जिसका नाम है कैनसाइनो बायो से मदद ली गई है, और इस ज़मन में वैक्सीन साजी के तमाम मयारात पर सख्ती से अमल किया गया है और क्वालिटी कंट्रोल को भी बरकरार रखा गया है। जनाब अच्छा जी, और मकामी तौर पर ये वैक्सीन की तैयारी से COVID-19 को काबू पाने के लिए पाकिस्तान को दीगर ममालिक पर इन्हसार से निजात भी मिल सकेगी। अब बात कर लेते हैं इसको कोविड की, अब जो दो पिछली वैक्सीन हैं उस हवाले से एक अहम पेशरफ सामने आई है, फिर दीगर ममालिक और ख़ासतौर पर सऊदी अरब का एक इम्पैक्ट सामने आया WHO के हवाले से, ये सारी मामलात पर आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस साल फरवरी में चीन की जानिब से अतिया करदा वैक्सीन के बाद मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल जारी है, अब तक जारी है, और इस ज़मन में पहले सेहत से वाबस्ता डॉक्टर्स और दीगर अमले को भी वैक्सीन पहले लगाई गई थी, फिर उसके बाद बुज़ुर्ग शहरियों को और अब 30 साल से ज़ायद और दरमियानी उम्र के पाकिस्तानियों की वैक्सीनेशन भी जारी है। जबकि मोहतात अंदाजे के मुताबिक अब तक मुल्क में 50 लाख अफराद वैक्सीन लगवा चुके हैं। एक्सपो सेंटर कराची और दीगर और बहुत सारी जगहों पर हुकूमत की जानिब से वैक्सीन लगवाई जा रही हैं और आप उन वैक्सीन से फ़ायदा उठा रहे हैं। उस्ताद सबसे पहले सरकार बात कर लेते हैं जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, वैक्सीन इस डर से नहीं लगवा रहे हैं कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स की जो अब तक सामने आए हैं एस्ट्राजेनेका के हवाले से और साइनोवैक के हवाले से। आपको साइड इफ़ेक्ट्स तो मिलेंगे, बाजू में दर्द ये वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट है, बहुत सारी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो अगर आप वैक्सीन लगवा रहे हैं तो बाजू में दर्द है तो ये कोई गैर मामूली बात नहीं, ये हकीकत है। बहुत सारे लोगों को काफ़ी एक एक हफ्ता बाजू में उस जगह पे जहाँ पे लगाया गया है इंजेक्शन, उस जगह पे दर्द का सामना पेश करना पड़ा है और पड़ेगा। जनाब ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये बेशतर लोगों को सामने आए हैं। तो इस तर्ज के जो साइड इफ़ेक्ट सामने आ रहे हैं, ये हुकूमत खुद भी निजी टीवी चैनल्स के ऊपर आके बात कर चुकी है, मेन स्क्रीन मीडिया पर बात कर चुकी है, सोशल मीडिया के ऊपर बात कर चुकी है, ट्वीट्स कर चुकी है, बता चुकी है, जिनसे आप वैक्सीन लगवा रहे हैं वो बता रहे हैं, मेडिकल स्टाफ पाकिस्तान में इस बात की बार बार वजाहत कर रहा है कि ये कोई डरने घबराने की बात, कोई गैर मामूली बात नहीं बल्कि मामूली बात है, इस वैक्सीन का ये अमल है और ये करेगा आपको तंग, लेकिन सेफ करेगा। पहले मुश्किल है और फिर सब ठीक हो जाएगा, और ये मुश्किल कोई वो मुश्किल नहीं है, ये एक नॉर्मल सी बात है, ये होगा वैक्सीन लगवाने के बाद, उसके बाद सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, आप अपने समीप बहुत सारे लोगों की हिफाजत कर सकेंगे। तो बहुत ज़रूरी है आप इस वैक्सीन का इस्तेमाल करें। अब एक नई मामला सामने आने शुरू हो गए, जो लोग डर रहे हैं वो डरें नहीं, प्लीज़ गुरेज करें डरने से, बल्कि वैक्सीन लगवाने में गुरेज ना करें, वैक्सीन लगवाएं। अभी हुकूमत वैक्सीन आपको सप्लाई कर रही है, हुकूमत ने बंद कर दिए तो फिर खर्चे कर करके वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, और पड़ेगी तब भी जब बाद में अकल के पर्दे खुलेंगे, तो इसलिए बेहतर है कि अभी अकल को दानिशमंदाना तरीके से सामान में काम में लाएं और जाकर इंजेक्शन वैक्सीन लगवाएं, ताकि अपने समेत और लोगों की आप हिफाजत के जिम्मेदार बन पाएं। उस्ताद सबसे पहली वैक्सीन और दूसरी वैक्सीन जो कि इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल है, हुकूमत इस वक्त लगवा रही है,
वो है साइनोवैक और एस्ट्राजेनिका। ये दो वैक्सीन पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि चीन की जेर निगरानी मौजूद हैं, WHO की तस्दीक शुदा वैक्सीन हैं। इस हवाले से पहले बात कर लेते हैं दोनों वैक्सीन की जो मौजूद हैं, जो आप लोग लगवा रहे हैं, 50 लाख से ज्यादा लोग लगवा चुके हैं। सऊदी अरब और बेशतर ममालिक ने ये बात कह दी है कि जनाब याद रहे, सऊदी अरब और बेशतर ममालिक ने ये बात कही है कि जनाब आपके पास उनकी कुछ हदूद में दाखिल होने के लिए कुछ हदूदें उन्होंने रखी हैं और हर हदूद के मुताबिक उन लोगों ने कहा है कि ये वैक्सीनेशन ज़रूरी हैं, जिसमें जिन लोगों ने साइनोवैक और एस्ट्राजेनिका लगवाई है उस पर पाकिस्तानियों के बेशतर ये रद्देमल सामने आ रहे हैं, सवालात सामने आ रहे हैं पॉलिटिशियंस को और दीगर और लोगों को कि जनाब क्या अब हम हज पे नहीं जा सकते, क्या अब हम उमरा करने नहीं जा सकते, क्या अब हम नहीं जा सकते, वैक्सीन लगवा ली है तो हमें जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो ये कोई कया सराई नहीं है बल्कि ये हकीकत है, ये सच है कि आपको सऊदी अरब ने और बहुत सारे ममालिक ने ये सख्ती रख दी है कि जनाब आप ये वैक्सीन लगवाएंगे तो आप इस हदूद में आ पाएंगे। लेकिन बहुत सारे ममालिक और सऊदी अरब जैसे मैंने कहा, लेकिन वैक्सीनेशन लगवाना ज़रूरी है। इस हवाले से पाकिस्तानी पॉलिटिशंस, पाकिस्तानी मेडिकल पॉलिटिक्स से आप उठा लें, मेडिकल सेक्रेटरीज, जनरल सेक्रेटरीज, सेक्रेटरी जनरल, तमाम लोग लगे हुए हैं मेडिकल्स के और तमाम लोग के जनाब ये बात सामने लाई जा सके कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये वो एक इदारा है जिसके बारे में आप हर वक्त सुनते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हेल्थ के बाप ने ये बात का ऐलान किया है कि ये वैक्सीनेशंस ठीक है, तस्दीक हुई भी है। जब कहा है उसके बावजूद सऊदी अरब और दीगर ममालिक अगर ये बात कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान का इस पर ये मौकिफ है कि भाई WHO से तस्दीक शुदा, WHO के मुताबिक ये वैक्सीनेशंस लोग लगवा रहे हैं। तो इस हवाले से आप जितने भी दस्तावेजात हैं वो चेक कीजिए और अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स पर बंदा पूरा उतर रहा है ठीक है, तो वैक्सीनेशन की ये वैक्सीनेशन अमल में बीच में ना ला जाए। WHO से रिपोर्ट शुदा वैक्सीन है, ये प्राइवेट वैक्सीनेशन अभी अवेलेबल नहीं है बल्कि हुकूमत ये वैक्सीनेशन लगवा रही है, तो फिर आप उनको क्लियरेंस दें, आप उनको इजाज़त दें। लेकिन बहुत सारे मामला इस चीज़ पर अमल दरामद नहीं कर रहे और इस हवाले से पाकिस्तान की तरफ से WHO से बातचीत भी जारी है और हकीकतन ये बात सामने आई है कि एयरलाइंस गिर जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इन सब की अकलों में ये बात आ जाएगी कि कोई मसला नहीं है और आने दे दिया जाएगा, लेकिन आप वैक्सीन से महरूम रह जाएंगे। और जो कुछ लोग हैं, कुछ लोगों ने मुझसे कहा, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि जनाब ये एक नया प्रोपागंडा है कि इस तरीके से वैक्सीन्स जो हैं वो रोक दी जाएंगी और फिर वैक्सीन्स आम जब हो जाएंगी और बिल्कुल ही फ्री में देने लगेंगे तो हुकूमत की जिम्मेदारी भी पीछे हट जाएगी, क्योंकि वैक्सीन से अगर आपको गहरी नुकसान हो रहा है तो हुकूमत उसकी जिम्मेदार है, WHO जिम्मेदार है। लेकिन नहीं, वैक्सीन्स आपको दे दी गई हैं, अब जब ये चीज़ इनकी जिम्मेदारियाँ हट जाएंगी और सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, वैक्सीन आप हो जाएंगी, आपको मिल रही होंगी, आपको पैसे देकर लगवानी पड़ेंगी, तो अच्छा है, हुकूमत को तो फ़ायदा होगा पैसों में भी हर चीज़ में। और ये कुछ लोगों ने मुझसे कहा और फिर बाद में ये मामला वैसे ही सेटल आउट हो जाएगा और लोग फिर पछता रहे होंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि ये बात भी हो सकती है, मैं नहीं कह रहा कि ये सच है या नहीं, हर इंसान की अपनी कयासराई होती है, हर इंसान की अपनी सोच होती है, लेकिन एक सोच ये भी है कि ये मामला एट द एंड दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू निकल रहा है, WHO से बातचीत जारी है। तो WHO से बातचीत जारी होने का मकसद ये है कि ये बातचीत आगे जाकर रिफ्रेश होगी और ये सारी चीज़ें मामला ओपन अप हो जाएंगे, सऊदी अरब आप जा सकेंगे, इंशाल्लाह आप हज कर पाएंगे, मेरे लिए भी दुआ करें, मुझे भी अल्लाह ताला तौफीक दे आप उम्रे की हज की, हम सब जा पाएंगे, कोई ऐसे मसले की बात नहीं होगी। अभी कुछ मामले, सो सबसे पहली बात यह है कि आप रुके नहीं, कुछ डरे नहीं, एवरीथिंग विल बी सॉर्ट आउट। आप जाकर जो है वो साइनोवैक वैक्सीन और एस्ट्राजेनेका जो अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, सब दो वैक्सीन लगवा सकते हैं। और साथ साथ कोरोना वायरस से मुतालिक पाकिस्तान में चीन की जेरे निगरान में बनने वाली WHO से रिपोर्ट शुदा और WHO से तस्दीक शुदा और बनने वाली थर्ड वैक्सीन, जबकि पाकिस्तान के नाम पर यही थर्ड वैक्सीन, जबकि पाकिस्तान के नाम पर यही वैक्सीन, पहली पाकिस्तान की वैक्सीन जो उसका नाम पाकवैक होगा, ये वैक्सीन, जबकि असल में ये कैंसिनो जो वैक्सीन है ये भी पाकिस्तान में अब अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है और रेडी टू है वैक्सीनेटेड के लिए, वैक्सीन के लिए रेडी टू वैक्सीन, ये वैक्सीन रेडी है। और जनाब सबसे बड़ी बात ये है कि ये वैक्सीन बस अब पाकिस्तान में आना, लोकली मुकामी सतह पर आने की देर है, जबकि वहीं बनी है, वहीं आ रही है, कुछ ही पल की बात है, कुछ ही लम्हों की बात है, कुछ ही वक्त की बात है और ज़्यादा टाइम नहीं है। अगले ही पल में, अगले ही लम्हों में आपके पास खबर आ जाएगी कि पाकवैक यानी कैंसिनो नाम है इसका, जो कि पाकवैक के नाम से मकामी सतह पर मौजूद होगी, लोकली मौजूद होगी कैंसिनो, ये वैक्सीन थर्ड वैक्सीन, जबकि पाकिस्तान के नाम पर यानी पाकवैक के नाम पर बनने वाली पहली वैक्सीन मौजूद होगी बहुत जल्द, ये सामने आने वाली है। बस इसके दो काम रह गए हैं, रीफिलिंग का काम जारी है और साथ साथ
पैकेजिंग का इसका काम जारी है, ये वैक्सीन भी सामने होगी। सो लिहाजा अपने अपने, ये आज की अहम तरीन खबर थी, लिहाजा अपने अपने साथ, अपने अपने घर वालों के साथ, अपने अपने साथियों के साथ रहम फरमाएं और वसीला बनते हुए एक थोड़ा सा काम करें, अकल शऊर इस्तेमाल करते हुए वैक्सीन का इस्तेमाल करें। आज के दव्यू के इस पॉइंट ऑफ व्यू में मेरा यही दव्यू।